हेलो दोस्तों, मैं किरण और मेरा प्यारा सा नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए। और कैसे हैं आप सब? आइए आज मिलते हैं इस मेडिसिन प्लांट से। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं इसे मेडिसिन क्यों कह रही हूँ बताती हूँ मैं आपको। ये प्लांट दोस्तों, एक तो खूबसूरती की वजह से हम इसको अपने घर में तो लाते ही हैं, उसके अलावा दोस्तों ये हमारी बहुत काम आता है। इसकी एक क्वालिटी तो ये है दोस्तों, ये बल्ब होते हैं इसके नीचे, जो बल्ब द्वारा ये लग जाता है। हम इसका एक बल्ब अगर निकाल लेते हैं और कहीं पॉट में लगा दें तो ये हो जाता है। और दूसरी खूबी इसकी दोस्तों ये है कि जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कई बार बच्चों के कान में खास करके ज़्यादा दर्द होता है, तो कान में जब दर्द हो, सड़ जाए, फुंसी हो, बहरा हो, तभी दोस्तों बेहद काम आता है। इसकी एक पत्ती ले लो पूरी, जैसे ये पूरी पत्ती ले लो, ये मैं आपको दिखा पा रही हूँ, और इसको गैस पे थोड़ी सी गरम कर लो पत्ती को, और अपनी हथेलियों से मसल कर स्पून में इसकी 10-15 बूंदें निकल आएंगी एक लीफ से इसकी, और वो इसकी जो बूंदें होंगी, इसका रस होगा जो, वो हम अपने 2-3 बार 2-2 घंटे की गैप पर अगर कान में डालते हैं दोस्तों, कि बच्चे के कान का दर्द, कान सड़ रहा है, बह रहा है, फुंसी हो गई है, ये उसके काम आता है। और वैसे तो ये ग्रीनरी की वजह से लगता ही है। मैं आपको इसका नाम बताती हूँ, इसको बोलते हैं दोस्तों सुदर्शन का प्लांट। ये हमारे घर में होना ही चाहिए, ये इजली ग्रो है, ये पानी भी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है इसकी, और बेहद खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। आप देख रहे हो जैसे इसकी मैंने आपको भी बताई, और इसको हम जैसे ये बहुत सारा हो जाता है ना, तो इसको हम निकाल के बल्ब इसके बहुत सारे हो जाते हैं पॉट में, तो जब ये ज़्यादा हो जाएं तो हम इसकी रिपोर्टिंग करें, तो इसकी बल्ब निकाल के हम कहीं और भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक जगह लगा, ये देखो दोस्तों मैंने अभी पीछे इस प्लांट की थोड़ी सी कटिंग करी थी, रिपोर्टिंग करी थी, तो मैंने इसके एक आधे बल्ब निकाल लिए थे और मैंने इस तरीके से इसको एक बॉटल में लगा रखा है जो कि हो रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है ये प्लांट। और दोस्तों आप भी इसको अपने घर में लगाइए ला करके, और अगर आपके घर में ये है तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी कान में दर्द हो रहा हो तो आप इसकी बूंदें कान में ज़रूर डालें। सिर्फ अगर दर्द हो रहा है तो 2 या 3 बार डालने से ही दर्द में बेहद आराम मिलेगा, और अगर फुंसी है तो आप इसको 2-3 दिन कंटिन्यू करिए, आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अच्छी जानकारी के साथ।